हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वीलैन के बारे में, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं वीलैन होता क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ी और इसे क्यों बनाया गया। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वीलैन के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जो नोट्स जो आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं। तो वीलैन की जो फुल फॉर्म होती है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब हम बात करें वीलैन की जरूरत क्या है ना, इसका क्या काम है। ठीक है, तो मैं पहले एक बार आप लोगों को सिंपल सा एक प्रैक्टिकल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, देन इसके बारे में हम इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन एट लेयर टू। तो इस लाइन का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है, तो वो पहले मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। जैसा कि मैं मान लेता हूँ कि एक स्विच है, राइट, एक क्या है, एक स्विच है, स्विच लेयर टू के ऊपर कनेक्ट करता है और स्विच लेयर टू के ऊपर वर्क करता है, और लेयर टू के ऊपर सेम नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे मान लो कि स्विच के ऊपर जितने भी डिवाइसेज कनेक्ट है, मान लो कि एक पीसी यहाँ पे कनेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, और अब स्विच है तो सारे सेम नेटवर्क में होंगे। ठीक है, तो मैंने माना कि ये सारे के सारे क्या है, सेम नेटवर्क पे है। ये 10.1 है, इसका एड्रेस है 10.2, इसका है 10.3 और इसका है 10.4। तो अब मैं बाय डिफॉल्ट किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो मतलब स्विच के ऊपर जैसे पैकेट जाएगा तो स्विच क्या करेगा, सेम नेटवर्क के ऊपर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा। ओके, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, कि ये जो दो डिवाइसेज है, डीएम के है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के डिवाइसेज है, मतलब दो टीमें यहाँ पे हैं और एक है आई टी ने, आई टी और एक है आई टी, मतलब दो डिवाइसेज आई टी के हैं, दो ही डिवाइसेज डीएम के हैं। तो हम चाहते क्या है कि भाई डीएम के डिवाइसेज डीएम के साथ कनेक्ट रहे और आईटी के डिवाइसेज आईटी के साथ कनेक्ट रहे, डीएम के डिवाइसेज आईटी के साथ कनेक्ट ना करें और आईटी वाले डिवाइसेज डीएम के साथ कनेक्ट ना करें। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों टीमें सेम नेटवर्क के ऊपर होते हुए, मतलब स्विच क्या करता है, सेम नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट करता है, तो सेम नेटवर्क के ऊपर होते हुए भी ये दोनों डिवाइस, मतलब दोनों टीमें आपस में कनेक्ट ना करें। तो इसके लिए हम वीलैन का यूज करते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट स्विच क्या करता है, सेम नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वीलैन का यूज करेंगे। अब ये कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से कॉन्फिगर करेंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, एज ए प्रैक्टिकल सारी चीज हम करने वाले हैं। तो और जैसा कि आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है, वीलैन डिफाइन बाई ए नंबर एंड 12 बिट, है ना, जैसा कि यहाँ पे नंबर दे रखा है, 12 बिट नंबर इसे बोला जाता है वीलैन को। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 12 आप जब करते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4096, जो नंबर होता है ये वीलैन की रेंज का नंबर होता है, इसलिए हम बोलते हैं जो टोटल नंबर वीलैन के अंदर होता है, तो इसलिए ऐसे हम 12 बिट रेंज नंबर एक बोल बोल सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें वीलैन की जो रेंज होती है, वो 0 से लेकर 4095 तक होती है। नॉर्मल जो रेंज होती है वीलैन की, वो 1 से लेकर 1005 तक, और एक्सटेंड जहाँ तक हम कर सकते हैं वो है 1006 से लेकर 4094 तक इसकी रेंज होती है। और बाय डिफॉल्ट जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट जो वीलैन होता है, पर पोर्ट के ऊपर वीलैन वन होता है, जैसे सिस्को डिवाइसेज के ऊपर बाय डिफॉल्ट वीलैन जनरेट होता है, मतलब हमें चलाने की जरूरत तो नहीं है, बाय डिफॉल्ट वीलैन वहां पे होता है। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो वीलैन वन के ऊपर एक्टिव होते हैं, जितने भी पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट वीलैन वन के ऊपर एक्टिव होते हैं। ओके, तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है, और आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल के अंदर दिखाऊंगा भी। और वीलैन का जो डेटाबेस होता है वो वीलैन डेट फाइल के अंदर होता है, जो भी वीलैन की एक फ्लैश मेमोरी बनती है डिवाइसेस के ऊपर, उसके अंदर इसका पूरा कंप्लीट डेटा वहां पे स्टोर होता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो वीलैन के बारे में आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम इसके पार्ट को कवर करते रहेंगे। और वीलैन के ऊपर दो पोर्ट्स का हम यहाँ पे स्विच के ऊपर यूज करेंगे, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट होता है, उनका क्या यूज होता है, कैसे प्रोसेस करता है, तो सारी चीजें इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।